ये विधानसभा 208 भोगनीपुर कानपुर देहात की वो सीट है जहां से रामनाथ कोविंद जी यहां से चुनाव लड़े और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये भोगनीपुर की ऐसी सियासत है कि मैं बता दूं कि यहां पर जनता तय करती है कि हमें किसको यहां से विधायक के रूप में चुनना है। आज आप देख सकते हैं यहां से जो प्रत्याशी हैं जुनैद खान जी, इस समय उनके समर्थन पे यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग डटे हुए हैं और जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक कम से कम 1 किलोमीटर के अंतराल में आप हजारों लोग उनके समर्थन में डटे हुए हैं और डोर टू डोर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर लोगों के मन में, लोगों के चेहरे पर इतना उत्साह है कि वो इस उत्साह को एनर्जी के रूप में ले रहे हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह उनका जो है माल्यार्पण किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है और उनके समर्थक इतने उत्साह के साथ उनका साथ दे रहे हैं। ये वही सीट है जहां से माननीय इस समय जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद एक समय यहीं से ही चुनाव लड़े थे और उनको हार का सामना करना पड़ा था। मैं बता दूं कि ये जो विधानसभा है, इस विधानसभा में कम से कम 400 प्लस गांव लगते हैं जो जनता तय करती है और इस विधानसभा में सर्व समाज के लोग हैं यहां पर रहते हैं और ये वही सर्व समाज है जो यहां पर आया है विधानसभा भोगनीपुर कानपुर देहात, विधानसभा 208 भोगनीपुर कानपुर देहात। आप देख सकते हैं यहां पर लोगों का उत्साह देख सकते हैं, हजारों की तादाद में यहां पर जुनैद खान जी का डोर टू डोर माल्यार्पण कर स्वागत किया जा रहा है। लोगों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से उनका समर्थन कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जुनैद खान जी हैं जो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी के रूप में उतारे गए हैं और बहुजन समाज पार्टी ने इनको अपना टिकट दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग समर्थन में अपने गाजे बाजे के साथ, अपने झंडे और डंडे के साथ उनका समर्थन करने उतरे हैं और रोड डोर टू डोर यानी घर टू घर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। हाथी जीतेगा, हाथी समाज का विकास होगा। जुनैद पहलवान इस टाइम हमारे विधायक बन के आएंगे 10 मार्च को, हम सब देखेंगे जुनैद पहलवान जिंदाबाद। लहर बड़ी करा रही है, हाथी रब पे भारी है, हाथी खुल्ला खुल्ला है। आप देख सकते हैं लोगों में जो उत्साह है, उस भीड़ जुटी हुई है। आप देख रहे हैं उनका जगह जगह माल्यार्पण से स्वागत किया जा रहा है और ये इस बार की जनता ने तय कर लिया है कि अगर बहुजन समाज पार्टी से हमें बनाना है तो जुनैद खान इस बार यहाँ के MLA बनकर, यानी कि यहाँ से विधायक बनकर। आप देख सकते हैं ऊपर जो है फूलों की बरसात हो रही है, इतना भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है, लाखों यहाँ पे हजारों लोग यहाँ पे समर्थन में है। क्या कहना चाहेंगे इस बार? अरे जुनैद भाई जिंदाबाद, जुनैद पहलवान जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई नहीं, हाथी वाला हाथी, भोगनीपुर में सिर्फ हाथी हाथी, भोगनीपुर विधानसभा पक्की तय है पूरी तरीके से, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, अभी हाथी जीतेगा, हाथी सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख सकते हैं लोगों में जो उत्साह है वो देखने काबिल है यहाँ पर इस समय। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में जो है यहाँ पर लोग जुनैद खान के समर्थन में उतरे हुए हैं और उनको प्रभावी प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक के रूप में यहाँ पर आए हैं वो जुनैद खान जी हैं। और इस बार यहाँ की जनता ने ठाना है कि इस बार BSP को सत्ता में लाना है। नाती आती भैया बहुत अच्छे प्रत्याशी है, इनसे ज्यादा कोई काम करने वाला नहीं है। कितने वोटों से आगे? कम से कम 1 लाख वोटों से जीतेंगे जी। आप देख रहे हैं कि 1 लाख लोगों से पूर्ण बहुमत से यहाँ पर अपनी सरकार बनाएंगे, हजारों की तादाद में अपने गाजे बाजे और झंडे के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं गाजे बाजे के साथ यहाँ पर जुनैद खान इस समय लोगों से वोट मांगते हुए, और उनके प्रत्याशी जो है उनका मानना है कि इससे ईमानदार और कर्मठशील कोई प्रत्याशी नहीं है, और इतने उत्साह के साथ हजारों लोग उनके समर्थन में पुखराया के, यानी कि कह सकते हैं कि भोगनीपुर विधानसभा 208 के जितने भी समर्थक हैं, जितने भी वोटर हैं, वो सिर्फ समाज के वोटर हैं और इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ उनके समर्थन में उमड़ा है।
लोगों का कहना है कि इस बार बसपा सरकार और इस बार विधानसभा 208 भोगनीपुर विधानसभा से जुनैद खान इस समय विधायक के रूप में, एमएलए के रूप में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद लेकर आए हैं। सैलाब यहां पर उमड़ा है, हजारों की तादाद में यहां पर लोग हैं जो समर्थन में, जुनैद खान के समर्थन में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय विधानसभा 208 भोगनीपुर कानपुर देहात से हजारों की तादाद में सर्व समाज के लोग इस समय बहुजन समाज पार्टी के जो आप विधायक के रूप में, प्रत्याशी के रूप में बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद लेकर आए हैं। आज आप देख सकते हैं उसके समर्थन में विधानसभा 208 में जो है इस तरह का माहौल है और यहां पर ऐसा लग रहा है कि जुनैद खान जीत कर ही जाएंगे। क्या क्या आपकी राय है इस बार, जुनैद खान जी यहां से भारी बहुमत से विजयी बनेंगे? बहुत बहुमत से विजयी बनेंगे। 1992 में बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी उतारा था, बहुत कम अंतराल से हारा। आज वो सुनहरा मौसम आया है, हमारा मुस्लिम समाज पूरा एकजुट है और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए आतुर है और वो हर बूथ पर मेहनत करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कम से कम हजारों की संख्या में भोगनीपुर विधानसभा 208 कानपुर देहात में जो माननीय विधायक के रूप में आए हैं वो जुनैद खान जी आए हैं। आप देख सकते भाई, हमारे जुनैद पहलवान जी का पूरे विधानसभा में कोई विरोध नहीं। हाँ, तो कितना अच्छा लग रहा है आपको कि सारे सर्व समाज, कितनी भीड़ होगी यहाँ पर, कितनी भीड़? हजारों लोगों की भीड़ है, कितना मुश्किल है। केवल सर सर दिख रहे हैं, झंडे दिख रहे हैं नीले, और कोई यहाँ पर संगवार समाज इस प्रत्याशी को अपने दिल में बसा लिया है और सारी समाज का, सारी कौम का वोट यहाँ इनको मिलता हुआ दिख रहा है। और आ गया इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आगे दिखाइए आप कि देखिए यहाँ पर कम से कम 1 किलोमीटर के अंतराल में यहाँ लोग मौजूद हैं और जो है यहाँ पर जो, और पीछे भी देख सकते हैं यहाँ पर अभी लाइन लगी हुई है, लोग अपनी गलियों से आ रहे हैं, जो गलियाँ हैं यहाँ पर। इसमें भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र में माननीय विधायक के रूप में जो प्रत्याशी है जुनैद खान जी, उनका समर्थन देखिए, लोगों के साथ उनका उत्साह देखिए कि लोगों में उनका कितना उत्साह है। यहाँ से लेके हजारों की संख्या में उतरे हुए लोग हैं। इस तरह विपक्षियों का जो है इस बार जनसमूह देखकर आप देख रहे हैं, हर जगह जगह जो है माल्यार्पण किया जा रहा है माननीय जुनैद खान जी का। आप देख सकते हैं यहाँ से पीछे तक आप देख सकते हैं कि इस समय जो है जुनैद खान जी के समर्थन में हजारों की भीड़ देख सकते हैं। कितना उत्साह है लोगों में और इस उत्साह का आप मतलब समझ रहे हैं कि भारी समर्थन के साथ पहलवान 30-40 हजार वोट से जीत रहे हैं हमारे। क्या कहना चाहेंगे जुनैद पहलवान के बारे में भाई साहब? यहाँ समर्थकों में भारी उत्साह दिख रहा है, जिस हिसाब से जुनैद भाई आगे बढ़ते जा रहे हैं, पूरा पूरा उनके साथ आते जा रहा है। इससे साफ लग रहा है कि भोगनीपुर विधानसभा बसपा जीत चुकी है, जुनैद भाई विधायक बन जाएंगे पक्का। क्या करना चाहेंगे आप सर? भैया जुनैद पहलवान जीत गए सर, आप क्या कह रहे हैं? पहलवान जीतेंगे भाई यार, काहे चक्कर में पड़े हैं? देखिए इनके इनके चेहरे की एक मुस्कुराहट देखिए, इनका मुस्कुराहट ये बता रही कि इस बार बीएसपी सरकार हर बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है, इनका ये कहना है। और यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है जुनैद खान जी के लिए लोग रोड पर उतर कर घर घर जाकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं और इन्होंने दावा पहले से ही कर दिया है कि जुनैद खान जी भोगनीपुर विधानसभा 208 से पूर्ण भारी बहुमत से लाखों की संख्या में वोटों का अंतर रहेगा और नहीं है कोई टक्कर में, क्यों पड़े चक्कर में, इनका ये कहना है। विधानसभा भोगनीपुर का ये क्षेत्र है जो कि 208 क्षेत्र लगता है, आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक कि जो भी है ये सर्व समाज के लोग हैं जो प्रत्याशी जो है आपका जुनैद खान जी का समर्थन करने के लिए उतरे हैं। मैं बस यही, अच्छा ये बताइए सर कि बहुजन समाज पार्टी से ये आपके जुनैद खान जी आए हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जुनैद खान जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी खुशी की लहर है लोगों में?
सर समाज में इतनी खुशी की लहर दौड़ चुकी है कि वो जनता खुशी के मारे बेचैन फिर रहे जुनैद पहलवान को देखने के लिए, चेहरे देखने के लिए। और सर समाज को जितना वोट मिल रहा है वो देख, एक तो जो यूपी में जितनी विधानसभाओं से एक विधानसभा भोगनीपुर की 208 जो विधानसभा है वो इतना रंग ला रही है, जो कार्यकर्ता हमारे मेहनत की है वो आज रंग ला रही है, खुशी की दौड़ चुका है। जुनैद पहलवान जीत गए, लाखों वोटों से अंतराल होगा और हमारे जुनैद पहलवान इतने लाखों वोट से जीतेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पर हमारे कुछ युवा लोग मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे कुछ लोग युवा मौजूद हैं जो देश का भविष्य है, जो देश के भविष्य को पहचान करेंगे, क्योंकि इसमें रोजगार, प्राइवेटाइजेशन, यहाँ तक कि सारे जो कोरोना काल से लेकर अभी तक जो बच्चे परेशान थे, जो पढ़ लिख कर यहाँ पर इस समय जुनैद खान जी का जो है समर्थन कर रहे हैं, क्या आशा है जुनैद खान जी से? आप प्रभावी युवा हैं इस समय और इस तरह से आप जो है वोट मांग रहे हैं जुनैद खान जी के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे कि जुनैद खान जी से आपकी क्या उम्मीदें हैं कि अगर वो विधायक के रूप में यहाँ पर आते हैं? जुनैद भाई सर्व समाज के भाई हैं, वो विधायक बनने के बाद भोगनीपुर का चौमुखी विकास करेंगे, उनका ये वादा है। यहाँ की बहन बेटियाँ हमेशा सुरक्षित रहेंगी और यहाँ जनसंपर्क में आप देख रहे हैं जैसे ही जुनैद भाई आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ 1000 के साथ 2000 5000 की भीड़ आगे बढ़ती चली जा रही है। समर्थकों में पूरा उत्साह है, भोगनीपुर हम जीत चुके हैं पूरी कंडीशन में। जुनैद भाई जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। आप देखिए यहाँ पर हमारे कुछ भाई मौजूद हैं। सर ये बताइए कि जुनैद खान जी जिस तरह मुस्लिम यहाँ पर विधानसभा 208 में सपा ने भी अपने जो है अपने प्रत्याशी को उतारा है, लेकिन कहा गया कि सपा का जो वोटर है वो मुस्लिम ज्यादा है, क्या ये बात सही है? कोई नहीं है टक्कर में जुनैद भाई के, जुनैद भाई यहाँ से जीत रहे हो, 20,000 वोटिंग से लीड लेके जीतेंगे इंशाल्लाह। तो आप विरोधियों से, आप विपक्ष पार्टियों से क्या कहना चाहेंगे? हम विपक्ष पार्टियों से ये कहना चाहेंगे कि अपने अपने गले ठंडे कर दो भैया, जुनैद भाई मैदान में आ गए, उनके अलावा कोई नहीं टिकरा है। आप देख सकते हैं इस समय लोगों में उत्साह इतना है कि जुनैद खान के लिए, वो जुनैद खान सिर्फ प्रत्याशी नहीं, सिर्फ नेता नहीं है, इनके दिलों में जो है जुनैद खान जी बसते हैं, जुनैद खान जी निवास करते हैं। तो इनका यही कहना है कि जुनैद खान जी हमारे नेता नहीं, सबसे पहले हमारे भाई हैं और हमारे दिल में बसते हैं। उनका जो प्यार है, उनका जो सम्मान है, बस उसका उसको हम बरकरार रखना चाहते हैं। ये भोगनीपुर विधानसभा 208 है, यहाँ पर मैं बता दूँ मैं उस जगह मौजूद हूँ जिस विधानसभा से रामनाथ कोविंद जी अपना चुनाव लड़े थे और यहाँ से उनको करारी पराजय मिलने के बाद यहाँ से वो बाहर निकल कर गए। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ सियासत के मामले में हमेशा गर्माहट और हमेशा गर्म माहौल में रहता है। यहाँ की जनता क्या डिसाइड कर ले इसका कुछ पता नहीं है। इस समय आगामी में जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, वो इसी विधानसभा क्षेत्र से अपना चुनाव लड़कर गए थे और उन्हें यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। आप समझ सकते हैं कि इतनी ज्यादा समर्थन में लोग जो है भोगनीपुर विधानसभा 208 कानपुर देहात के लोग समर्थन में उमड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो समर्थन है युवाओं का, महिलाओं का, भाइयों का, यानी कि हमारे बुजुर्गों का, सबका आशीर्वाद लेकर यहाँ पर चलते हुए जुनैद खान जी घर घर जाकर वोट मांगने प्रयास कर रहे हैं और उनके समर्थन में इतनी ज्यादा भीड़ है, हजारों की संख्या में, जैसे आप हमारे भाई ने बताया कि हजारों की संख्या में यहाँ पे भीड़ है। आप समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पर गर्म माहौल है, कितनी यहाँ की सियासत जो है वो तय करेंगे। यहाँ के युवा बेरोजगार मजलूम गरीब इंसान जो है, जो जुनैद खान उनके दिल में बसते हैं, उनके लिए जुनैद खान क्या काम करेंगे अगर वो यहाँ MLA बन के आते हैं। आपको मैंने परिचय करवाया यहाँ पर, सर समाज का वो विकास करेंगे। मैं सर संखवार, आप देखते रहिए समता आवाज TV। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज TV को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।